नमस्कार, मैं विकास कुमार। अगर कटिहार पुलिस की बेशर्मी नापने के लिए कोई मीटर बना होता तो यकीन मानिए ऐसे 100 मीटर भी कटिहार पुलिस की बेशर्मी नहीं नाप पाती। ऐसे कटिहार पुलिस की बेशर्मी कहें या संवेदनहीनता कहें कि एक बुजुर्ग दाम्पत्य को पिछले 9 महीने से कटिहार पुलिस अपने थाने के चक्कर कटवा रही है और इतने पर भी बेशर्म पुलिस को शर्म नहीं आए तो यह निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की ही पुलिस हो सकती है, ये कटिहार पुलिस ही हो सकती है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस बुजुर्ग महिला के आंखों से सिर्फ आंसू ही नहीं, इसके साथ साथ कटिहार पुलिस की बेशर्मी और संवेदनहीनता भी बह रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो कटिहार के मनिहारी के एक बुजुर्ग दाम्पत्य अपने नौजवान बेटे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पिछले 9 महीने से मनिहारी थाने का चक्कर नहीं काट रहे होते। इसे पुलिस की बेशर्मी कहें या रिश्वतखोरी का नशा कि एक मरे हुए इंसान के परिजन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले रिश्वत की पेशकश की जा रही है। वह रे कटिहार पुलिस, वह नहीं नहीं वह 9 महीने से सड़क दुर्घटना में मारे गए अपने बेटे सरफराज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कटिहार के मनिहारी थाने का चक्कर सरफराज के माँ बाप लगा रहे हैं, लेकिन कटिहार पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने दिन हो गए हैं। कटिहार पुलिस को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक जवान बेटे को कंधा देने के बाद उसके बुजुर्ग परिजनों में इतनी हिम्मत कहाँ बची है कि वो पुलिस के दरबार में 9 महीने से चक्कर लगा सके। फिर भी पुलिस अपने थाने का चक्कर उनसे लगवा रही है। पुलिस की बेशर्मी का ये आलम है कि एक मर चुके इंसान के बुजुर्ग परिजनों से खर्च की बात कर रही है। छी, शर्म है पर आती नहीं। इससे तो अच्छा होता कि मनिहारी के गंगा घाट पर मरे हुए इंसानों का कफन बेच लेती पुलिस, क्योंकि दोनों में तो कोई फर्क बचा ही नहीं। हमारा लड़का था कमाने खाने वाला, मेरा लड़का चला गया, कौन देखेगा हमारा। उसके पास एक बच्चा है, एक बीबी है, उसका परवरिश कौन करेगा। खाने खाने के लिए मुताद है हम लोग, और थाना वाला नहीं देता है रिपोर्ट हमको। बोलता है कि जाओ, अच्छा 5 दिन के बाद ला देंगे। अच्छा जाइए, 4 दिन के बाद लाते हैं, कभी बड़ा बाबू, कभी छोटा बाबू, कभी पांडे जी, कोई नहीं बोलता है कि हाँ दे दीजिए उसको। खाली कोशिश करेंगे, जा रहे हैं कटिहार, कोशिश करेंगे, पैसा का खर्च है, वहाँ पैसा खर्च होगा, ऐसे डिमांड करता है। इस माँ के आह पर भी कैसे चुप है पुलिस, इस दर्द पर भी जिसकी चेतना नहीं जागती, क्या उसे ही पुलिस कहते हैं? अगर उसे ही कहते हैं तो धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर, ऐसी सरकार पर जो जनता के दुख दर्द में भी संवेदनहीन बना रहे। इमरान खान के साथ ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी। निश्चित तौर पर एक बुजुर्ग दाम्पत्य पिछले 9 महीने से थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कटिहार पुलिस की संवेदना अब तक नहीं जागी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मृतक
सरफराज की माँ साहिदा बेगम है। साहिदा जी, क्या है पूरा मामला और क्या हुआ था? घर था 6 बजे, 6 बजे शाम में घर से निकला तुरंत, और ये 5 मिनट भी नहीं हुआ कि वहाँ से खबर आता है कि सरफराज जो है ख़त्म हो गया। तो हम लोग दौड़ के गए वहाँ, जब वहाँ गए तो देखते हैं कि एकदम कोई सांस उस नहीं चल रहा था, एकदम ख़त्मे था। अब ब्रेन जो उसका था चूर हो गया था सिर का, और ब्लड के मारे तो खूब एकदम वहाँ था आदमी भी खूब भीड़। अब बगल में थाना है सर, कोई दूर में भी नहीं है, और थाना वाला हमसे इजाज़त भी नहीं लिया कि हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम ले जाने चाहते हैं, और नहीं हमसे साइन करवाया। और बॉडी को उठा कर करके जाके राता राती 9 बजे रात में ले जा कर करके पोस्टमार्टम करवा दिया, करवा के 1 घंटा के अंदर ला कर करके पहुंचा दिया यहाँ। और पहुंचाने के बाद जब हो रहा था, हम लोग को काम क्रिया में लग गए 8 दिन। 8 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगने गए हैं तो रोज़ तय में देता है कि पैसा खर्च है, और कौन पैसा लगेगा, कौन कहता है पैसा खर्च है, कौन कहता है, हाँ कौन कहता है, कौन कहता है ये बात? तो हम पूछें कि आप पुलिस हैं? नहीं, ये आपसे लेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पैसा खर्च होगा, ये बात पुलिस के लोग बोल रहे हैं? हाँ पुलिस बोले, जिसके अंदर में केस है वही बोला। अच्छा, सर क्या बोला? तो बोला यही कि से पैसा खर्च होगा लाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो हम बोले कि आप पुलिस हो के आपसे पैसा लेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का? तो वीडियो जो है बदली हो गया, वीडियो ना बदली हुआ, उसका कागज़ तो बदली नहीं हुआ। हम इतना बोले कि वीडियो ना हुआ बदली, उसका कागज़ तो बदली नहीं हुआ। साहिदा जी, वीडियो की भी बदली नहीं हुई है, जो वीडियो उस वक्त थी वो इस वक्त भी हैं, अभी साहिदा जो हैं वो छाया कुमारी वही हैं। तो साहिदा जी ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आपको क्या काम है? हमको यही है कि जो ट्रक से जो एक्सीडेंट हुआ, तो जो गाड़ी उसका चलवाता था आज तक देखने नहीं आया, नहीं देखने आया, ने कुछ बोला या कर करके। हम लोग को मैंने वकील किए तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगता है कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा तब आपका केस आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो साहिदा जी ये बताइए कि पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले जो हैं, जो दूसरी पार्टी है उससे मिल गई है क्या? हमको तो लग रहा है कि कोई पार्टी उसको पैसा पिलाया है तब ने नहीं देना चाहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अच्छा अच्छा साहिदा जी, मनिहारी में बड़े पुलिस अधिकारी भी हैं, DSP भी हैं, आप उनके पास गई थी कभी? हम सब के पास गए हैं सर, जिसके पास केस है उसके पास भी गए हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा ला देंगे, आप फिर रहिए। अच्छा, तो फिर गए जब हम हैरान हो गए तब अपने पति को भेजने लगे। अच्छा, कि जाइए हमको नहीं देना चाहता है, आप जाके देखिए। तो वो भी 8 दिन 10 दिन दौड़ रहा, 8 दिन से एकदम परेशान कर दिया, बाकी नहीं से नहीं दे रहा, क्या बात है जो नहीं देना। कितना दिन हुआ साहिदा जी इस मामले को लेकर? ये मामला जो 9 महीना हो गया है, हाँ ये महीना 9 चल रहा। अच्छा, है आप वहाँ पे थाना प्रभारी हैं, जो मनिहारी थाना के थाना प्रभारी हैं, आप उनसे मिली थी, उनको कही थी, उनसे मांगी थी रिपोर्ट? वहाँ पर DSP साहब था सर, ये बड़ा बाबू था, सब था, सबके सामने जाके बोलते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा मंगा दीजिए। वो लोग बोलता है देखिए होगा रूम में। उसके बाद हम वार्ड कमिश्नर के पास गए, वार्ड कमिश्नर को जब बोले हम, तो वो 10-12 बार फ़ोन किया है वार्ड कमिश्नर कि उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए, जो लीजिएगा तो हम देने को तैयार हैं, बाकी उसको दीजिए, उसको भी ताल बहाना। अच्छा, ये साहिदा जी कितने पैसे की मांग की गई आपको पुलिस द्वारा? पैसा वाला बोला कि वहाँ खर्चा होता है, ये बात नहीं बोला कि 5,000 या 10,000, वहाँ खर्चा होगा तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलेगा। तो हम पूछे कितना पैसा खर्च होगा, आप हमको बता दीजिए, तो नहीं बताता। अच्छा साहिदा जी, आपको लगता है कि ये आपसे पैसा लेने के लिए ही आपके रिपोर्ट को रोका गया है?
हमको भी ऐसा लगता है कि पैसे लेने के लिए रोका होगा। अच्छा, उसके बाद एक चेला चटिया रहती है मोड़ पर, तो वो हमको बोला, उसका रहाना जी नाम है। कौन चेला चटिया? किसका चेला चटिया? रेहाना जी वहाँ मैंने सब जो जाता है ना उसके पास, तो वही आवेदन लिखती है सबका। तो वो बोला कि कुछ पैसा दे के ले लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो हम बोले अभी तो हमको खाने का ही नहीं है, हम कहाँ से उसको पैसा देंगे। तो बोलता है कि पैसा तो लगेगा। तो हम पूछे उससे कि कितना पैसा लगेगा आप बताइए, जब आप जानते हैं तो बोलता है कि 5,000 रुपया लग जाएगा। रहाना जी बोला 5,000 रुपये के लिए आपके रिपोर्ट को रोका गया, यही ना आप कह रही हैं? तो वो ने बोला हमको बड़ा ये नहीं ने बोला जिसके पास केस है उसको नहीं, नहीं, हमको बोलना बोला चाहिए। आपको बीच में जो है वो बोला रहाना जी। रहाना जी कौन है? मिस्टर की वाइफ है वही मोड़ पर। अच्छा, वो भोट उठ में उठती है जरा। वही जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ऑर्डर दिया सर, वही करवा के ला के धर दिया। और उसको जाके बोलते हैं तो बोलता है पैसा लगेगा। हाँ, तो उसको तो जाके चाँड से बोलना चाहिए कि उसे हाँ उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम करने के लिए वहाँ गया है तो हमसे दस्तखत लेगा कि नहीं लेगा? हमारा लड़का ने मारा था। आपको क्या लगता है कि पुलिस आपके मामले को बहुत संजीदगी से नहीं देख रही है? वकील हम लोग को माने कि लग का हो गया पोस्टमार्टम काहे रोके हुआ है हमको समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है सायदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम आपसे जुड़े हैं और आपने हमें अपनी पीड़ा बताई। ये है कटिहार पुलिस। उसके पास एगो लड़का है सर, उसकी जवान बीबी है, हम क्या करेंगे बोलिए जी। कैसे हम रखेंगे उसकी बीबी को? कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा सायदा जी, आप रोइए मत, आप रोइए मत, हम आपकी आवाज को सरकार और पुलिस के बड़े अधिकारी तक पहुंचा रहे हैं इस खबर के माध्यम से। निश्चित तार बहाना 9 महीना हो गया सर, कहे नहीं देता है। यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि अगला से पैसा खाया है कि क्या किया है, कोई पता नहीं। पुलिस पकड़ने भी नहीं गया, जो मर्डर किया उसको आज तक नहीं गया पकड़ने, वो घर में आकर रहा हुआ है। अच्छा, घूरता है फिरता है, बाकी उसके घर पर आज तक नहीं गया है। चलिए ठीक है, हम सियासतदानों से और पुलिस के बड़े अधिकारी से यही सवाल पूछते हैं कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कीमत क्या है साहब? आप बता दीजिए, आप एक रेट लिस्ट जारी कर दीजिए। इस बुजुर्ग माँ के आंसुओं पर भी अगर आपका दिल नहीं पसीजता तो आपको पुलिस कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। और ये सब नीतीश कुमार के पुलिस का ही चेहरा है, ये सब कटिहार पुलिस का ही चेहरा हो सकता है, क्योंकि पुलिस इतनी बेशर्म और संवेदनहीन सिर्फ कटिहार पुलिस ही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कई पुलिस अधिकारी संवेदनशीलता से काम नहीं करते हैं, कई पुलिस अधिकारी हैं जो संवेदनशीलता से काम करते हैं, जनता के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन इनकी तादाद बेहद कम है। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो पैसे के लिए लाशों से कफन खींच लें, पैसे के लिए लाशों का कफन तक बेच डालें, यही है कटिहार पुलिस। जवाब चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, कितने पैसे लेते हैं पुलिस वाले? और जब तक जवाब नहीं मिलता कटिहार पुलिस से हम यूं ही सवाल पूछते रहेंगे, नीतीश कुमार की पुलिस से हम यूं ही सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है, बोलना हमारा अधिकार है, और हम तब तक बोलते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे जब तक सरफराज की मां को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाता। अभी के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।